हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ में चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने पास में रखें ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे को दे रखा है, बोला है कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है ये। ठीक है फ्रेंड, 80 मीटर, इसके दोनों किनारों पर दो खंभे लगा रखे हैं जिनकी हाइट क्या है, बिल्कुल सेम है। जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इसकी है, और ये बात क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि दोनों की हाइट कितनी है। तो दोनों की हाइट मालूम नहीं है, मैंने क्या मान लिया, इसकी हाइट भी कितनी है h, और मान लो इसकी हाइट भी कितनी होगी, h होगी। ठीक है, बोला इस सड़क के किसी एक पॉइंट पर, पता नहीं कहाँ पर है वो पॉइंट, मुझे मालूम नहीं है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता है। जस्ट इमेजिन वो पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट से इन दोनों पोल का एंगल बनता है 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, मान लो इस पॉइंट से मैं अगर इस पोल को देखता हूँ और इसी पॉइंट से अगर मैं इस पोल को देखता हूँ, तो मेरे दो एंगल बनते हैं, एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का। फ्रेंड एक बात याद रखना, जो पॉइंट किसी चीज़ से जितना ज़्यादा दूर होगा उसका एंगल उतना छोटा बनेगा, और जितना नज़दीक होगा उतना एंगल बड़ा बनेगा। तो ये पॉइंट इससे दूरी पर है तो यहाँ एंगल बनेगा 30 डिग्री का, और ये एंगल इससे नज़दीक है तो यहाँ एंगल बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड, इतनी बात क्लियर है। अब टोटल दे रखी मेरे को ये 80 मीटर, ना मुझे ये गिवन है ना मुझे ये गिवन है। क्वेश्चन पूछा है कि दोनों खंभों की ऊंचाई भी बताओ और सड़क के बीच में इनकी दूरी कितनी है वो भी बताओ। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने मान लिया कि मेरी ये दूरी कितनी है, x है, कितनी है x, तो बाकी बचा डिस्टेंस कितना होगा, टोटल में से x को माइनस कर दो, ये 80 है, इस x को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग डिस्टेंस मेरा ये आ जाएगा। पूरे डायग्राम को नाम दे देते हैं, इसका नाम a, b, ये c, ये d, और ये मेरा e हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, विड्थ ऑफ रोड, यानी कि रोड की चौड़ाई कितनी दे रखी थी, 80 मीटर दे रखी थी, और मान लिया लेट हाइट ऑफ इक्वल पोल, माना समान खंभों की ऊंचाई, समान खंभों की ऊंचाई, यानी कि ये भी एच होगी, ये भी क्या होगी, एच होगी, दोनों गाइड क्या सेम है। ठीक है फ्रेंड, मैंने मान लिया कि सी डी मेरा एक्स है, तो मेरा बी सी कितना होगा, बी सी, टोटल में से एक्स को माइनस कर देंगे, 80 माइनस में एक्स। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इसके बाद में हमें ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग ड्रॉ करना है। ठीक है फ्रेंड, तो हम उसी मेथड को फॉलो करेंगे जो मैं आपको करवाते आ रहा था, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। तो छोटे ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम है सी डी और ई, ये मेरा एच है और ये मेरा एक्स है, और ये एंगल बनाता है 60 डिग्री का, और जो बड़े वाला ट्रायंगल है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है फ्रेंड, इसका नाम है ए बी सी, ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का, एच है, और ये मेरा कितना है, 80 माइनस में एक्स। ठीक है फ्रेंड, इतना करने के बाद मेरा ये वाला ट्रायंगल है, मैंने लिखा इन ट्रायंगल सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई में एक मेरे पास डी ई है, दूसरा मेरा सी डी है, इन्हीं दोनों साइडों का यूज़ करना है मुझे। ठीक है, क्योंकि मुझे ये भी निकालनी है और सी डी भी निकालनी है, दोनों ही निकालनी है, तो चाहे इसे ऊपर रख लो चाहे इसे रख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने डी ई को ऊपर रखा, सी डी को नीचे रखा, तो ये बना मेरा लंब बटे में आधार, इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, ये होता फॉर्मूला मेरा टेन थीटा का, तो यहाँ रखा मैंने टेन थीटा, थीटा कितना मेरा 60 डिग्री। डी ई, डी ई मेरा है एच, सी डी कितना है एक्स, और टेन 60 की वैल्यू, ये मेरा एक्स है और टेन 60 की वैल्यू कितनी है, रूट 3, नीचे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एक्स रूट 3। ठीक है फ्रेंड, इसको मैं नंबर मान लेता हूँ 1, इस वाले टर्म को। उसके बाद अब बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल बी ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में मैंने ए बी को रखा ऊपर, बी सी को रखा नीचे, ए बी मेरा कौन है लंब, और ये कौन है मेरा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, फॉर्मूला वही बनेगा टेन थीटा, थीटा कितना मेरा 30 डिग्री। ए बी, ए बी मेरा है एच, बी सी
ये मेरा 80 माइनस में x, tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू ये रही कितनी है 1/√3, यहाँ रखा मैंने 1/√3, ठीक है फ्रेंड। इतना करने के बाद फिर मैंने लिखा यूजिंग वन, समीकरण एक से ये मेरी किसकी वैल्यू, एच की वैल्यू, एच की जगह यहाँ रिप्लेस कर दूंगा एक्स रूट थ्री और नीचे 80 माइनस में एक्स 1/√3, ठीक है फ्रेंड। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, एक्स रूट थ्री इंटू रूट थ्री 80 माइनस में एक्स, तो पावर एक और एक कितनी हो जाएगी दो, दो से रूट कट गया, 80 माइनस में एक्स ये मेरा आ गया 3x, 80 माइनस में एक्स, माइनस का एक्स इधर एक्स को आ जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 80, कितना हुआ 4x, मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में, ये मेरा आ गया 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 20 आ गई, ठीक है फ्रेंड। इस x की वैल्यू उठा के जब पुट कर देंगे, पुट इन 1, एच का एच एक्स की जगह लगा दिया मैंने 20√3, ठीक है फ्रेंड। एच मैंने क्या माना था, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल यानी खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई एच मानी थी, एच मेरा आ गया 20√3 मीटर, ठीक है फ्रेंड। और दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी होगी, सी डी मेरा कितना निकल के आ गया 20 मीटर, और दूसरा मेरा कौन बचा बी सी, बी सी कितना 80 माइनस में एक्स, बी सी को भी निकाल लेते हैं, बी सी था 80 माइनस में एक्स, एक्स की वैल्यू 20 यानी कि 60 मीटर, यानी दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर एंड 60 मीटर, डिस्टेंस कितना होगा यानी कि दूरी, दूरी होगी 20 मीटर और 60 मीटर, ठीक है फ्रेंड। दोनों खंभों के बीच की दूरी ये आ जाएगी। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड। ओके बाय बाय, थैंक यू।